नमस्कार दोस्तों, तो आज आप डिस्कस करेंगे मोटोरोला के अपकमिंग जी सीरीज के स्मार्टफोन के बारे में, जिसका नाम है मोटोरोला G85। और सरप्राइजिंगली ये जो स्मार्टफोन यूरोप के जो रिटेलर साइट उसमें ऑलरेडी आ चुका है। तो इसलिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये जो G85 जो कि यूरोप पे आने वाला है, ऑब्वियसली वो स्मार्टफोन इंडिया पे आएगा शायद थोड़ा सा फेरबदल करके, तो इसमें हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलेगा इस वीडियो में जिसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में। तो जैसे ही देख सकते हैं काजर की इस बार भी जो G85 इसके पीछे का डिजाइन होगा ऑलमोस्ट ऐसा, आपको ज्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। फोन का थिकनेस होगा 7.6 मिलीमीटर और वेट होगा 166 ग्राम। पीछे आपको हार्बर के जैसा लेदर का बैक कवर मिलेगा और जो कलर वो आपको पैंटोन सर्टिफाइड हार्बर के जैसा कलर आपको देखने को मिलेगा। डिस्प्ले में आपको मिलेगा 6.5 इंच फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज 10B पोलेट डिस्प्ले, जिसके साथ 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, 1300 निट्स का ब्राइटनेस, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, और इसके साथ आपको मिलेगा पांडा ग्लास का डिस्प्ले प्रोटेक्शन। मतलब मैं चीज कह सकते प्राइस पॉइंट की सबसे इसका जो डिस्प्ले वो ठीक ठाक होने वाला है। प्रोसेसर की अगर बात करें इधर ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि जो यूरोप के जो मार्केट उसमें सर्टिफाई हुआ है स्नैपड्रैगन 695 के साथ। कुछ दिन पहले मुझे मालूम चला था कि डायमेंसिटी 7025 के साथ आएगा, लेकिन जितना अभी मुझे लग रहा है जो स्मार्टफोन जनरली यूरोप के मार्केट में स्नैपड्रैगन 695 के साथ लॉन्च होता है वो जब इंडिया में आता है उसमें हमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 भी मिल सकता है। तो इसलिए मुझे जितना लग रहा है शायद इसमें आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 मिल सकता है, क्योंकि चीज तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं लास्ट बार के मुकाबले इस बार आपको डेफिनेटली प्रोसेसर में कुछ ना कुछ चेंज तो आपको मिलेगा। कैमरे में आपको मिलेगा 50 और 8 का डुअल रियर कैमरा, साथ में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी। इसका जो रियर कैमरा इसमें आपको मिलेगा OIS EIS दोनों का ऑप्शन। ये जो स्मार्टफोन आपको बस एक ही वेरिएंट पे मिलेगा जो कि 12 256 GB। रैम का क्वालिटी है LPDDR4X। मेमोरी पे आपको मिलेगा UFS 2.2 जिसके साथ हाइब्रिड का स्लॉट का ऑप्शन। बैटरी में आपको मिलेगा 5000 mAh बैटरी, साथ में 30W का वार्ड चार्जिंग और कनेक्टिविटी USB Type-C। तो इसके बाद अगर इसके कुछ बाकी फीचर की बारे में बात करें तो आपको इसे मिलेगा एंड्रॉयड 14 आउट ऑफ द बॉक्स, 3.5mm जैक, डुअल स्पीकर, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, IP68 का वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन। और प्रोबेबली इस साल हमें 2 साल का मेजर वॉइस अपडेट, 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल सकता है, क्योंकि अभी हम देख रहे लगभग सभी ब्रांड हमें 2+3 ईयर का वॉइस अपडेट प्रोवाइड कर रहा है। तो अब जो सबसे मेन चीज किस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होने वाला है, तो देखिए ऐसा मुझे मालूम चला है जो G84 का जो अपग्रेड वर्जन के हिसाब से जो G85 लॉन्च होने वाला है इसका प्राइस यूरोप पे होगा एग्जैक्टली लास्ट बार के एडिशन के जैसा। तो मतलब ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार जो इंडिया में G85 आएगा इसका भी प्राइस होगा एग्जैक्टली G84 जो कि इंडिया में लॉन्च होता है के जैसा। अभी G84 इंडिया में कितने में लॉन्च हुआ था, 17,000 से 18,000 के आसपास। तो मतलब गारंटीड इस बार भी ये जो स्मार्टफोन इसी प्राइस पॉइंट में देखने को मिलेगा। तो अभी हार्ड वीडियो से डिस्कस करें कि क्या ये जो स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट में सबसे बेस्ट ऑलराउंड स्मार्टफोन होगा या फिर इससे बेटर दूसरों की चॉइस अवेलेबल है। तो देखिए अगर हम 18,000 के बारे में बात कर रहे तो रिसेंटली इस प्राइस पॉइंट में लॉन्च हुआ है IQOO Z9 जो कि मैंने खुद रिव्यू किया था, मुझे काफी बढ़िया ऑलराउंड स्मार्टफोन लगा। तो अगर हम उसके साथ कंपेयर करते हैं, पहली बात तो डिस्प्ले, इधर मैं बोलूंगा मोटोरोला होगा थोड़ा सा ज्यादा बेटर क्योंकि इसमें आपको मिलेगा 10 बिट वाला पैनल। प्रोसेसर इस मामले में IQOO बेटर क्योंकि IQOO पे आपको मिलेगा डायमेंसिटी 7200। मोटो पे आपको मोस्ट प्रोबेबली इंडिया वाले वेरिएंट पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 6 Gen 1। कैमरे के मामले में इधर IQOO होगा बेटर क्योंकि IQOO पे आपको बेटर क्वालिटी का कैमरा सेंसर मिल रहा है और मैंने खुद टेस्ट किया है 20,000 पे अभी के लिए सबसे अल्टीमेट कैमरा आपको मिलेगा IQOO Z9 के अंदर। उसके बाद वेरिएंट इधर तो मोटो बेटर क्योंकि 12 256 GB ऐसा वाला वेरिएंट आपको 22-23,000 में भी कोई भी ब्रांड प्रोवाइड नहीं कर रहा। उसके बाद बैटरी और चार्जर का कॉम्बिनेशन दोनों पे सेम, स्पीकर सिस्टम दोनों पे सेम, OS अपडेट दोनों पे एग्जैक्टली सेम। तो मतलब देखिए वीडियो का मैं बस आपको ये चीज करना चाहूंगा ये जो मोटोरोला G85 जो लॉन्च होने वाला है जो कि मोस्टली G84 के जैसा ही होगा, प्रोसेसर में बस होगा थोड़ा सा ज्यादा अपडेट, तो मेरे ख्याल से 17,000 रुपए के आसपास एक ठीक ठाक वाला स्मार्टफोन होने वाला है। तो भी आप मुझे कमेंट जरूर बताना कि जो मोटोरोला G85 जो लॉन्च होने वाला है इसके बारे में आपका क्या कहना है और जिस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होने वाला है तो क्या इस प्राइस पॉइंट में इसे लेना चाहेंगे या फिर दूसरा कोई डिवाइस आप चूज करना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।